निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो बालक, हम लोग केमिस्ट्री बूस्टर का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में जान गए थे, वैलेंसीज कैसे निकाला जाता है वो जान गए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ये जान गए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे जाने ये भी जाने थे, यानी केमिस्ट्री का कुछ बेसिक्स हम लोग उसमें जाने थे, ये भी बेसिक्स ही जानेंगे, बट इसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे। बालक, ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्लास 8 के बच्चों के लिए, क्लास 9 के बच्चों के लिए और क्लास 10 के बच्चों के लिए। बस ये वीडियो अगर समझ जाते हो, पिछला वीडियो समझ जाते हो और ये वीडियो समझ जाते हो तो केमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, तुम एक एक बात केमिस्ट्री में समझने लगोगे, केमिस्ट्री में तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि कई एक बार 8 क्लास में भी मेटल नॉन मेटल जैसे चैप्टर्स में हमें समझ में नहीं आता है कि ये Na और Cl, NaCl कैसे हुआ, Na और Cl सोडियम और क्लोरीन जब मिला तो ये NaCl कैसे हुआ, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे हुआ, ये सब क्लियर नहीं हो पाता है। वहाँ पर मेटल नॉन मेटल में तुम इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन में दिक्कत होता है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, है ना, वो कॉन्सेप्ट में बच्चों को दिक्कत होता है। तो ये जो पहला वीडियो था केमिस्ट्री बूस्टर जो 1 था, जिसमें हम लोग वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने थे, उसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने क्लियर किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो केमिस्ट्री बूस्टर करके प्लेलिस्ट होगा, वहाँ जा करके विजिट करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। और अगर ना मिले तो यार थोड़ा सा प्लेलिस्ट वगैरह खुद से विजिट कर लिया करो। ये जो वीडियो है हम लोग इसमें शॉर्ट एक बार रिवीजन कर लेंगे, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर का एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया उस वीडियो का, है ना, और उसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। बालक तो ध्यान से देखोगे, बालक सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में एक बार शॉर्ट बात कर लेते हैं। देखो ये जो एटॉमिक नंबर, सिंपल बात किया जाए, सिंपल बात तो ये जो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3 ऐसे पढ़ते हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ऐसे तुम जो याद करते हो वही जो नंबरिंग है बालक, उसी को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। और उसका मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन का बालक 1 एटॉमिक नंबर है, अगर हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है तो एक बात कन्फर्म है कि इसके पास 1 प्लस चार्ज होगा और 1 माइनस चार्ज होगा। प्लस चार्ज बोले तो बालक 1 प्रोटॉन होगा, और 1 माइनस चार्ज बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यही हमें एटॉमिक नंबर बता रहा होता है। जैसे बालक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, तो इसका मतलब है बालक कि इसके पास 8 प्लस है, यानी 8 प्रोटॉन है और 8 जो है बालक इलेक्ट्रॉन है, है ना, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, शॉर्ट में अगर लिखना चाहें बालक हम लोग तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा बालक उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। और हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डिस्कस उसमें किया गया था, जिसमें एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था और बालक इलेक्ट्रॉन था। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बालक न्यूक्लियस में होता है। एटम कुछ इस शक्ल का था जिसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस था, इसी में होता है बालक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है बालक इस पर रिवॉल्व कर रहा होता है। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, है ना। तो एटॉमिक नंबर हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है बालक। हम लोग ये डिस्कस किए थे कि पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका हम लोग फार्मूला के बारे में डिस्कस किए थे बालक, 2n², है ना, ये फार्मूला उसमें डिस्कस्ड है। और उस फार्मूला के बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, इस रूल के अनुसार हम लोग केमिस्ट्री को आगे पढ़ रहे होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बालक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, किसी भी एटम में, मान लो इसमें एक सेल और ये 2 सेल, ये तो न्यूक्लियस है बालक, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, तो बालक जो थर्ड सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, थर्ड सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा बालक उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इस केस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। और वैलेंसीज क्या पढ़े थे बालक, कि स्टेबल होने के लिए, ध्यान से सुनोगे,
वैलेंसी हम लोग पढ़े थे कि स्टेबल होने के लिए एक एटम को जितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े या जितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बालक क्या, वैलेंसी बोलते हैं। अब स्टेबल मतलब क्या बालक, स्टेबल हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे, शॉर्ट रिविजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्टेबल होने का मतलब ये है बालक कि जितना भी नोबल गैसेस है, कुछ ऐसे आइटम है जिनको देखा गया है कि वो सिंगल भी मिल जाते हैं, मतलब बाजार उजार में ढूंढोगे तो हीलियम जो है नियन जो है, आर्गन जो है, ये एक आइटम भी तुम्हें मिल जाएगा, अकेले मिल जाएगा, यूं ही मिल जाएगा अकेले घूमते फिरते दर्शन, है ना। लेकिन अगर तुम ऑक्सीजन को अकेले ढूंढते रह जाओगे बालक, नहीं मिलेगा। ये जब भी मिलेगा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, या तो बालक ये O2 मिलेगा, या तो ये MgO मिलेगा, या तो ये H2O मिलेगा। ऑक्सीजन बालक एक एटम नहीं मिल पाएगा, मतलब ऑक्सीजन अनस्टेबल है, अकेले ये अनस्टेबल है। ये जब भी मिलेगा तो ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में। अब ये कंबाइंड फॉर्म में ही क्यों मिलता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बालक हम लोग पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किए थे कि स्टेबल होने के लिए कंडीशन ये था कि नोबल गैस की तरह बनना, क्योंकि नोबल गैस स्टेबल होता है, वो अकेले मिल जाता है। नोबल गैस मतलब हीलियम, आर्गन, नियन, ये जो है 2 नंबर वाला, 10 नंबर वाला बालक, 18 नंबर वाला, ये सब जो है ये स्टेबल है। तो ध्यान से समझोगे बालक, ध्यान से समझोगे कि उसमें हम बताए थे, देसी डस्टर देना भाई, देखो हम लोग इसे मिटा रहे हैं बालक। हम लोग उसमें डिस्कस किए थे कि देखो पहले नंबर पे बालक हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर लिथियम, ठीक ना, तीसरे नंबर पे बालक क्या है, हाइड्रोजन के बाद सॉरी हीलियम ना, अरे ये बता दिया करो यार, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फोर्थ पे बेरिलियम और फाइव पे बालक बोरोन, है ना। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ ये नोबल गैस है, हीलियम का एक एटम आराम से तुमको मिल जाएगा घूमते फिरते, आराम से अकेले मिल जाएगा, इसको पेयर का जरूरत नहीं है। बट ये सब बालक तुमको अकेले नहीं मिलेगा, ये सब स्टेबल नहीं होता है, ये जो है ये स्टेबल नहीं होता है बालक, ठीक ना, ये सब स्टेबल नहीं होता है। तो हम लोग ये पढ़े थे कि हीलियम के आसपास वाला जो एटम है, मतलब कि फिफ्थ नंबर तक, ये सब के लास्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, लास्ट सेल में बालक अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये सब अपने आप को स्टेबल पाएगा, ये सब रुक जाएगा, ये सब इधर उधर रिएक्शन के फेर में नहीं रहेगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अगर कंडीशन बन जाए कि इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए बालक, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जो हीलियम के आसपास है। बाकी हीलियम के आसपास वाले यानी कि इन चारों को छोड़ के, देखो हीलियम तो स्टेबल है, लिथियम बेरिलियम बोरोन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी दुनिया का जितना भी एलिमेंट है उसका कंडीशन ये है कि उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट सेल में, लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो जा करके स्टेबल होगा बालक, तभी वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये हम लोग पिछले वीडियो का बात अभी तक कर रहे थे, ये पिछले वीडियो में डिस्कस है, वहाँ डिटेल डिस्कस है, अगर कोई बच्चा नहीं देख पाया है तो उसे जा करके एक बार जरूर देखो बालक, पूरा क्लियर हो जाएगा। वैलेंसी तुम निकालना सीख जाओगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना सीख जाओगे, बात क्लियर है। तो इस वीडियो में बालक हम लोग स्टार्ट करेंगे, यार देसी डस्टर तुम मेरे साथ ही रहो, बड़ा ज़रूरत आता है तुम्हारा, ध्यान से सुनोगे तो बालक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में बालक हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। किसके बारे में बालक, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे बालक, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं बालक हैशटैग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, क्लियर है। देखो केमिकल बॉन्डिंग इसमें हम लोग इस वीडियो पार्ट में 2 टाइप का पढ़ने जाएंगे जो तुम्हें 10th तक यूज आएगा, क्लास 10th तक इतना ही केमिकल बॉन्डिंग यूज आएगा। केमिकल बॉन्डिंग और भी होता है जो हायर क्लासेस में जानना है, अभी हम लोग 10th क्लास तक का केमिकल बॉन्डिंग हम लोग जानेंगे, क्या क्या हमें जानना है उतना ही जानेंगे। फर्स्ट जो होगा इसे बोला जाएगा आयोनिक बॉन्ड, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे बालक। और जो दूसरा होगा बालक इसे हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है, है ना। तो एक हम लोग को जानना है आयोनिक बॉन्ड और एक जानना है बालक कोवेलेंट बॉन्ड, बस 2 जानना, होता और है बस, ज़रूरत नहीं है तुम्हें अभी फिलहाल, जितना ज़रूरत है उसे हम लोग समझेंगे, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, आराम से समझेंगे, ठीक ना। लेकिन बड़ा काम का चीज़ है बालक, ये दोनों अगर समझ गए और पिछला वीडियो अच्छे से देख लिए बालक तो तुम्हें केमिस्ट्री 10th क्लास तक कहीं हार्ड नहीं लगने वाला, ये कन्फर्म है, ध्यान से समझोगे, एक एक चीज़ समझ में आने लगेगा।
देखो बड़ा सिंपल बात है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अगर पूछा जाए बालक ये है क्या, तो तुम बोल सकते हो केमिकल बॉन्डिंग एक माया है। केमिकल बॉन्डिंग बालक एक माया है, माया इन द सेंस एक फोर्स है बालक जो एलिमेंट को जोड़ करके रखता है। ये एलिमेंट को क्या करके रखता है बालक, ये जोड़ करके रखता है। जोड़ करके मतलब कंबाइन करके, बाइंड करके रखता है ये एलिमेंट को, इसीलिए इसे हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना, बाइंड करके रखता है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग मतलब एलिमेंट को ये जोड़ करके रखता है। जैसे जैसे NaCl, इसमें दो एलिमेंट है, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन, ये दोनों को जोड़ दिया है, है ना। H2O में एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस फोर्स से जुड़े हुए हैं ना बालक, उस फोर्स को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते बालक, केमिकल बॉन्डिंग। आखिर भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर जुड़ा हुआ है, अगर ये एक साथ आ रहा है और हमें पानी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है बालक, जुड़ा हुआ है। तो भाई जुड़ने के लिए भाई बॉन्ड तो चाहिए, फोर्स तो चाहिए बालक, तो वही फोर्स है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग। बात क्लियर है। दो टाइप का हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एक बॉन्डिंग को बोलेंगे हम लोग आयोनिक बॉन्ड और दूसरे बॉन्डिंग को बोलेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में बालक जानते हैं, सबसे पहले हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में जानते हैं बालक। बालक तुम आयोनिक बॉन्ड को इस तरीके से समझ सकते हो कि जहाँ कहीं भी बॉन्ड बनने के लिए, जहाँ कहीं भी बॉन्ड बनने के लिए एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा और एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, उस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ये एटम लूज क्यों करेगा और ये गेन क्यों करेगा, तो बड़ा सिंपल बात है बालक, स्टेबल होने के लिए लूज करेगा और स्टेबल होने के लिए गेन करेगा। हम लोग अभी अभी पढ़े थे और पिछले वीडियो में डिटेल डिस्कस किए थे कि अगर लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो जो एटम है वो अपने आप को स्टेबल फील करता है, वो स्टेबल हो जाता है, वो अनरिएक्टिव हो जाता है, वो किसी से भी रिएक्टिव नहीं करेगा, वो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखो दुनिया में जितना भी चीज़ है वो स्टेबल होना चाहता है, एलिमेंट भी एक एक एटम स्टेबल होना चाहता है, तो वो अगर स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, है ना, लूज करे या गेन करे, है ना, मतलब एक आइटम लूज करेगा दूसरा आइटम गेन करेगा। और ऐसा जो बॉन्ड बन रहा होगा ना बालक, ऐसा जो बॉन्ड बन रहा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब ये लूज कौन करता है, तो देखो मेटल का डिफिनेशन भी है कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, है ना, किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसे मेटल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, उसे हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉन्ड बिटवीन अ नॉन मेटल एंड मेटल इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है बालक उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। एग्जांपल से समझा जाए, जैसे कि बालक सोडियम है, सोडियम है बालक, और एक हम लोग ले लिया जाए क्लोरीन। अब देखो आयोनिक बॉन्ड समझने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं, बड़ा काम का चीज है तुम्हारे लिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए बालक बड़ा काम का चीज़ है। कैसे है बताते हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पिछले वीडियो में भी समझे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल या आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम लोग बॉन्ड दिखाते हैं ना कि ये बॉन्ड कौन सा है, कैसे बना, तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को केवल लेते हैं, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जैसे देख लो बालक, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर बालक 11 है, तो एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 इसमें प्लस है और 11 माइनस है, 11 प्लस 11 माइनस है, और हमको माइनस से मतलब है। क्यों भाई माइनस से मतलब है, ये भी डिस्कस था, ये भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि देखो बालक ये न्यूक्लियस है, तो प्लस और न्यूट्रॉन, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारा तो न्यूक्लियस में है, है ना, और इसके चारों तरफ जो सेल है उस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यही पढ़े थे तुम। तो प्रोटॉन को किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन या केमिकल रिएक्शन से कोई मतलब नहीं रहता, मतलब किसी को रहता है तो जो बाहरी सेल पर है, जो आउटर सेल पर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको मतलब रहता है बॉन्ड फॉर्मेशन से। तो हम लोग केवल मतलब रखेंगे जब भी बॉन्ड शो करेंगे, तो हम लोग केवल मतलब रखेंगे किससे बालक, माइनस चार्ज से, यानी यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सेल में बालक 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो पढ़े थे, फॉर्मूला भी इसका पढ़े थे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10 और 1, 11, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बालक,
एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, एक हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही लिखेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बालक, डॉट से। तो हम लोग यहाँ एक डॉट डाले, एक डॉट डाले बालक, ये डॉट तुम्हें दिख रहा होगा, देख लेते हैं बालक, हाँ दिख रहा है। तो ये जो डॉट है ना बालक, ये जो डॉट है ये वैलेंस डॉट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखा जाए, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है ना, तो इसमें 17 प्लस है और 17 माइनस है, हमको माइनस से मतलब है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, 2, 8, 10 और 7, 17। अगर 17 एटॉमिक नंबर है तो 17 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 7 हुआ, क्योंकि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। जितना भी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ 7 डॉट लगाएंगे। 7 डॉट क्यों लगाएंगे बालक, अरे बोलो भैया, 7 डॉट हम लोग इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कितना कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 था, तो हम लोग यहाँ पर 7 डॉट से उसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो क्या होगा बालक, यहाँ देखोगे ध्यान से, सोडियम 2, 8 और 1, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ना होता, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ना होता तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचता बालक, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचता, तो सोडियम स्टेबल हो जाता, सोडियम स्टेबल हो जाता ना। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 2 और 8 है और यहाँ लास्ट में 7 है, अगर इसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन बालक मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, मिल जाए, तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 7 है, एक कहीं से मिल जाए तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। तो बालक देखो आयोनिक बॉन्ड में क्या होगा कि क्लोरीनवा इससे बोलेगा, सोडियमवा से, क्लोरीनवा जो है ये सोडियमवा से बोलेगा, बोलेगा कि सोडियम भैया देखो आपको भी स्टेबल होना है, हमको भी स्टेबल होना है, तो आप क्या करें कि आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन के चलते आप स्टेबल अपने आप को फिल नहीं कर पा रहे वो हमें दे दें, क्लोरीनवा बोलेगा। तो क्लोरीन को ये इसका बात मानते हुए, छोटे भाई का बात मानते हुए, इसे एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही सोडियमवा इसे दिया, ठीक ना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब, इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन सोडियम स्टेबल फील कर रहा है, और क्लोरीन को जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिला ये भी अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है क्योंकि इसके लास्ट सेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था, एक मिल गया तो 8 हो गया। जैसे ही 8 हुआ तो यहाँ से बन गया वाला क्या, NaCl बन गया, NaCl बन गया। अब यहाँ पर इस NaCl में Na भी स्टेबल है बालक, Cl भी स्टेबल है, बात समझ में आना चाहिए, आ ही रहा है। तो बालक एक और एग्जांपल देखा जाए, एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे बालक। देखो अगर सपोज करो कि हमारे पास वो बालक MgO हो, MgO कैसे बनता है, तुम लोग देखे हो ना मैग्नीशियम ऑक्साइड देखे हो, तो ये MgO कैसे बनता है देख लिया जाए बालक। देखो Mg जो है इसका 12 एटॉमिक नंबर, यानी इसमें 12 प्लस और 12 माइनस, प्लस से नक्को मतलब, माइनस से मतलब, माइनस से मतलब, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बालक, 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 डॉट यहाँ लाएंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा होगा। फिर हम लोग ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बालक 8 है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले में 2, देखो एटॉमिक नंबर 8 तो 8 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 एटॉमिक नंबर तो 8 इलेक्ट्रॉन, 10 एटॉमिक नंबर तो 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 ही था बालक, तो पहला में तो 2 जाना है, ये तो रूल है ना, ये तो रूल है। तो पहले में 2 गया और दूसरे में 6, तो बच कितना गया बालक, कहाँ बचा, 2 और 6, 8 ही हुआ ना, 2 और 6, 8 हुआ, पहले में 2 और दूसरे में 6, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन था, तो दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में कितना गया, 6 है ना, लास्ट सेल में बालक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6। अब देखो 6 है, 2, 2, 4, 2, 6, अब ध्यान से तुम लोग समझोगे ध्यानचंद कुमार। देखो अगर इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो, मैग्नीशियम के लास्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ये अपने आप को स्टेबल फील करेगा, क्यों करेगा कि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ये हटा यहाँ से, इसके लास्ट सेल में 8 बच जाएगा और 8 बचते ही स्टेबल हो जाएगा, है ना। और ये भी हमेशा ध्यान रखोगे बालक कि आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में ये भी रूल तुम्हें बताया गया है और एकदम बढ़िया से इसे गांठ बांध लो कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नको,
8 इलेक्ट्रॉन से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है दुनिया के किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में, क्योंकि लास्ट सेल का उतना एनर्जी लेवल नहीं होता है कि वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सके, है ना, दूर हो जाता है न्यूक्लियस से। ये बाद का स्टोरी है, बाद में समझोगे, अभी फिलहाल इतना जानोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लास्ट सेल में नहीं रहता है, एकदम बढ़िया से माइंड में रखोगे, है ना। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम रिमूव कर दे तो इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये अपने आप को स्टेबल फील करेगा। और इसी तरीके से ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन में 2 और 6 है, अगर इसके लास्ट सेल में बालक 2 मिल जाए, 6 है बालक, देखो ये अगर इसको 2 मिल जाता है तो इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, तो ये भी स्टेबल फील करेगा, तो फिर दोनों आपस में बतियाएगा बालक, और बतिया के क्या करेगा ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ इसमें चल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन फिर इसमें आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, बोलेगा अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन तुम लूज कर दो, हमरा दे दो, हम भी स्टेबल तुम भी स्टेबल, हम भी खुश तुम भी खुश, तो दोनों खुश। जब दोनों खुश तो क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे के ये क्या बन जाएगा बालक, MgO का फॉर्मेशन हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बात क्लियर है? अरे क्लियर होगा क्यों नहीं, भाई पढ़ा रहा है। आगे देखोगे हम लोग अब देखेंगे मैग्नीशियम और क्लोरीन में कैसे रिएक्शन होता है, है ना। मैग्नीशियम का भी देखे थे 12 एटॉमिक नंबर, पहले में 2 था, दूसरे में 8 और लास्ट में 2, यानी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर हम लोग 2 बना लेंगे। और क्लोरीन में भी तुम देखे थे बालक, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में कितना था, 7 था, लास्ट में 7 था, तो 7 डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे केवल हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही बालक लिख रहे होंगे, केवल हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही लिख रहे होंगे। अब यहाँ बालक थोड़ा लोचा है, बट आसान है लोचा, ये समझ सकते हो आराम से, ध्यान से देखोगे बालक, एकदम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है फालतू, अगर ये 2 ना रहे तो ये स्टेबल फील करे, और इसको 1 मिल जाए तो स्टेबल फील करे, है ना। तो ये बालक 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा, दया कर देगा कि ले भाई तू जो स्टेबल हो जो, क्लोरीन स्टेबल हो गया, क्लोरीन जैसे ही 1 मिला, 7 था लास्ट में, 1 आ गया, 8 हो गया लास्ट में, तो क्लोरीन वहाँ क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो जब ये क्लोरीन स्टेबल हो गया तो ये तो भाई खुश हो गया, बट ये बोलेगा अच्छा तू तो बचवा हो गए और हमरा का हुआ 1 इलेक्ट्रॉन तो बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन इकरा दिया बाबू, तो इसके पास 2, 8 और 1 ही बचा ना, लास्ट में 1 तो बच गया, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या स्टेबल होता नहीं होता, 8 होना चाहिए ना। तो ये बोलेगा क्लोरीन से कि बुआ एगो और अपना भाई लाओ, एगो और अपना का लाओ भाई लाओ, तो एगो और एगो भाई लाएगा, एक और भाई लाएगा, एक और क्लोरीन लाएगा, है ना, एक और क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन तो भाई क्लोरीन है, उसमें तो लास्ट में 7 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर से ये जो नया इसका भाई आएगा उसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी चीख चीख के पुकारेगा अरे हमरा स्टेबल होना है, हमरा स्टेबल होना है, तो एकरो एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना स्टेबल होने के लिए। तो ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा, इसको दे देगा। अब देखो इससे क्या हुआ कि ये तो बालक पहले से स्टेबल था ही क्लोरीन में, ये जो क्लोरीन है ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, मिल गया। और ये देखो इसी में क्या हुआ कि मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसको दिया, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों गायब, इहो गायब, दोनों इलेक्ट्रॉन गायब। तो जब सब गायबे हो गया तो इसके भी लास्ट सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन बच गया ना। अब ये भी खुश और ये दोनों भी खुश, दोनों भाई खुश और ये भी खुश, तो क्या बन जाएगा, Mg बन जाएगा Cl2, MgCl2 मैग्नीशियम, इसे क्लोराइड बोलोगे बालक। और तुम कभी भी MgCl नहीं देखे होगे आज तक, NaCl देखे होगे तो NaCl तो बना के दिखा दिए कि कैसे NaCl देखे होगे, कभी भी तुम MgCl देखे हो क्या अपने बुक में, MgCl बालक कभी नहीं देखोगे, MgCl नहीं देखोगे, जब देखोगे MgCl2, क्यों नहीं देखोगे MgCl, अरे थोड़ा तुम भी बुधिया लगाओ भाई, MgCl क्यों नहीं देखोगे, इसलिए नहीं देखोगे कि MgCl में क्या हो रहा था कि Mg स्टेबल नहीं हो रहा था, केवल Cl हो रहा था, है ना। ये स्टेबल कब हुआ, जब एगो और क्लोरीन आया, 2 क्लोरीन आया तब ना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर पाया। बात क्लियर है? तो बालक अब एक होमवर्क देते हैं आयोनिक बॉन्ड में, इतना जानना तुम्हारे लिए क्लास 10th तक के केमिस्ट्री को समझने के लिए इनफ है, लेकिन एक होमवर्क कर लेना, एक बालक होमवर्क कर लेना और कमेंट करना कि तुम अपने से बनाए या नहीं बनाए, या देखना पड़ा तुम्हें, है ना। एल्युमिनियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, के गो एल्युमिनियम चाहिए,
कि वो क्लोरीन चाहिए, ये बना लेना, पहला होमवर्क है बालक तुम्हारा। और दूसरा होमवर्क है एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो के गो ऑक्सीजन और के गो एल्युमिनियम चाहिए और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये दोनों बना के तुम लोग कमेंट करना। क्या करोगे बालक? कमेंट करोगे, है ना। तो बालक हम लोग अब दूसरा बॉन्ड समझते हैं एंड डैट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। डैट बॉन्ड इज बालक कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे बालक? कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। थोड़ा इंक भी डाल ले भाई, इंक थोड़ा सा डाल ले। तो बालक अगर ये दोनों वीडियो तुम अगर बढ़िया से समझ जाते हो, दोनों वीडियो अगर तुम बढ़िया से बालक समझ जाते हो तो केमिस्ट्री तो अपना हो गया भाई, केमिस्ट्री अपना हो गया। केमिस्ट्री अपना होने का मतलब कहीं तुमको दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री बूस्टर का पहला वीडियो और केमिस्ट्री बूस्टर का जो सेकंड वीडियो है अगर ये दोनों समझ जाते हो तो तुम्हें बालक केमिस्ट्री में अब दिक्कत नहीं होगा, है ना। सारा केमिस्ट्री तुमको अब इजी लगने लगेगा, बस शर्तें ये समझ जाना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो है कैसे मजे करते हैं, कहाँ पर मजे करते हैं, एटम के अंदर कैसे ये लोग घूमते फिरते ऐस करते रहते हैं, है ना। इसके बारे में अगर बढ़िया से समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बालक क्लास टेंथ तक की केमिस्ट्री को समझने के लिए बालक। चलो देखो कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं, कौन सा बॉन्ड? प्यारा सा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। प्यारा इसलिए इसको बोल रहे हैं कि इसमें शेयरिंग होता है बालक, यहाँ भाईचारा होता है, यहाँ भाई भाई का होता है, यहाँ बहन बहन की होती है, भाई बहन की होती है और बहन भाई का होता है, यहाँ पर फटाफटी नहीं होता है, है ना। मतलब छोड़ कोवेलेंट बॉन्ड देखा जाए, कोवेलेंट बॉन्ड देखो पिछले वाले बॉन्ड में हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक एटम लूज कर रहा था और एक एटम गेन कर रहा था। यहाँ पर लूज और गेन नहीं होगा, यहाँ पर शेयरिंग होगा। और शेयरिंग तो तुम जानते हो जो लंच का जो शेयरिंग है, अगर दोनों बच्चा ईमानदार है, दोनों बच्चा नहीं लालची है तो क्या करेगा। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि ये अपना हाफ लंच रखेगा, ये भी अपना हाफ लंच रखेगा, है ना, या ये अपना फुल लंच रखेगा और ये अपना फुल लंच रखेगा। दोनों का फुल लंच आ गया। अब ये जो डबल लंच हो गया ना, इस पर इसका भी राइट है खाने का और इस पर इसका भी राइट है। लेकिन जनरली होता क्या है, जनरली ये होता है कि जो ज़्यादा खदोड़ है वो ज़्यादा खा जाता है और बेचारा जो थोड़ा शर्मीला है वो बेचारा थोड़ा कम खा लेता है। हम तो भाई खदोड़ थे, दबा देते थे, कभी कभी मेरा भी दबा देता था। सब होता है सर, मज़ा तो होता है सर, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड को समझने से पहले हम लोग थोड़ा शेयरिंग को समझ ले। देखो ओला से तुम समझ सकते हो, ओला कैब से। अगर ओला कैब में एकदम ध्यान से बालक मज़ा आएगा, इसको एकदम ध्यान से समझोगे। ओला कैब में, ओला कैब में जनरली अब क्या हो रहा है बालक कि तुम अगर अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कहीं मान लो तुमको 5 किलोमीटर जाना है और वहाँ का चार्ज 100 रुपीज़ है, तो तुम क्या करो, मतलब दो अगर मिल गया आदमी तो 50-50 दे के चल जाएगा। तो दो आदमी अगर मिल गया 5 किलोमीटर के लिए, अगर 100 रुपया चार्ज था ओला का, 5 किलोमीटर के लिए मान लो कि 100 रुपया चार्ज था ओला का, तो दो आदमी अगर मिल गया तो एक आदमी 50 देगा और दूसरा आदमी भी 50 देगा, दोनों 50-50 दिया और वो 5 किलोमीटर तक वो दोनों का इक्वल राइट रहेगा उस ओला कैब पे। 5 किलोमीटर तक के जर्नी तक इक्वल राइट रहेगा वो दोनों का। अब ये नहीं कोई बोल सकता है कि भाई एक आदमी का बड़ा तशरीफ है और एक आदमी का बस छोटा सा तशरीफ है, है ना। तो एक आदमी मतलब ज़्यादा लिया तो ज़्यादा पैसा देगा, मतलब ज़्यादा तशरीफ है तो भाई ज़्यादा सीट ऑक्यूपाई करेगा ना, तो ज़्यादा तशरीफ है तो ज़्यादा पैसा देगा और एक का कम है तो कम, ऐसा नहीं है, दोनों जा रहा है ना। तो जब इक्वल इक्वल पैसा शेयर किया, इक्वल इक्वल जब पैसा शेयर किया मतलब कि 50-50 रुपया शेयर किया, तो उस ओला कैब पर 5 किलोमीटर तक इक्वल राइट रहेगा दोनों बंदा का। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, दोनों शेयर करके गया, है ना। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का ना लूज होगा ना गेन होगा, यहाँ पर बालक शेयरिंग होगा। वहाँ पर एक नॉन मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था उसको हम लोग आयोनिक बोल रहे थे, और जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना ये केवल नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा देखा जाए, बेस्ट एग्जाम्पल ये है। देखो यहाँ से तुम ये भी समझोगे किसी भी रिएक्शन में बालक, किसी भी रिएक्शन में एकदम गौर करोगे बालक, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे, और वो भी मजाक मजाक में जान लोगे। तो देखो O2 Cl2 N2 और H2, I2 भी होता है बालक, Br2 भी होता है, है ना। बताओ इन एटम्स को, इन एटम्स को कभी तुम रिएक्शन में अकेले देखे हो क्या?
इन एटम्स को कभी तुम रिएक्शन में बालक अकेले देखे हो क्या? अकेले जब भी देखो पेयर में, इसको डाई एटोमिक एटम्स बोला जाता है। ये जब भी आएगा ना, ओ टू ओ नहीं आता है किसी भी रिएक्शन में। जब भी एक्चुअल रिएक्शन देखो, एक्चुअल रिएक्शन H2 plus O2 होता है, इज इक्वल टू क्या होता है बालक? H2 plus O2 क्या होता है? H2 होता है। बाद में इसको बैलेंसिंग करते रहते हैं हम लोग, बाद में इसको बैलेंस करते रहते हैं, है ना? यही पढ़े हो ना? कभी देखे हो क्या HO2 H2O, तो कभी देखे हो क्या H2 plus O H2O, ऐसा रिएक्शन बनते हुए बुक में कभी देखे हो क्या? क्यों नहीं देखे हो अभी समझ जाओगे, क्यों नहीं देखे हो बालक अभी समझ जाओगे, है ना? कैसे? तो देखो ध्यान से ध्यानचंद कुमार, देखो कोवेलेंट बॉन्ड में एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जैसे ये O2 जो है ये कैसे बना इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं, फिर H2 के बारे में भी समझ लेंगे, N2 के बारे में भी समझ लेंगे, H2O भी समझेंगे। एक एक चीज़ समझा देगा भाई, एक एक चीज़ समझा देगा, छोड़ेगा नहीं तेरे को। O2 O में कितना एटोमिक नंबर? O का एटोमिक नंबर 8, पहले में 2 दूसरे में 6 ना, पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 6, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना वाला? 6। तो यहाँ पर ना 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये ऑक्सीजन एटम 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो है। अरे ऑक्सीजन ही तो है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। अब भाई ये दोनों स्टेबल कैसे हो? तो ये एक स्पेशल तरीके के बॉन्ड, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, वैसे स्टेबल होगा। कैसे होगा? तो देखो ये ऑक्सीजन जो है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन आगे कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बालक? आगे कर देगा, है ना? और ये जो ऑक्सीजन है ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा आगे कर देगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को आगे कर दिया। अब यहाँ पर देखो, ये जो 2-2 इलेक्ट्रॉन का ये दोनों शेयर कर लिया, मतलब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड कर दिया, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड कर दिया और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड कर दिया, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन का वाला ग्रुप बनाना, ये चारों इलेक्ट्रॉन पर अब इसका भी बराबर राइट है जितना इसका राइट है। अब इस ऑक्सीजन का भी उतना ही अधिकार है, उस चारों इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज कर सकता है और उस इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज कर सकता है, समझ रहे हो ना? लफुआ सब जानते हो क्या करता है? लफुआ सब क्या करता है वाला बदमाशवा सब? वो सब बाइक खरीदता है, ठीक है ना? इधर से चोर चुट्टा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चोर चुट्टा इधर उधर से, घर से तो मिलेगा नहीं, घर से तो लतिया देंगे पापा उपा, तो इधर उधर से चोरी उरी करके, इधर उधर से कैसे भी इधर उधर करके वो लोग क्या करते हैं ना कि 3-4 मिल के क्या करेगा ना, बाइक खरीद लेगा, 3-4 मिल के सेकेंड हैंड 20,000 में बाइक खरीद लेगा, सब 5,000 रुपये दे देगा। तो 5,000 यो दिया, 5,000 ये भी दिया, 5,000 ये भी दिया, 5,000 चार बच्चा मिल के दिया। अब क्या करेगा कि शाम में डेली का वो सब कराता है कि मंडे को हम ले जाएंगे, ट्यूसडे को तू ले जाएगा, है ना, वेडनेसडे को तू ले जाएगा, थर्सडे को तू ले जाएगा, ऐसे होता है, ऐसे उसे लोग हुआ सब करता है। तो इक्वल राइट हो गया ना, वो 5,000 दिया, तो जो एक बाइक खरीदा स्प्लेंडर प्लस जो खरीदा है वो लोग, है ना, उस पर सबका अधिकार है, इक्वल अधिकार है, है ना? कभी कभी आपसे में मारामारी कर देता है सब, आपसे में मारामारी कर देगा, मारामारी मतलब अरे एकदम फटिया देगा सब, कि हमारा तू दे ले 2 घंटा, अपने ले 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 1 घंटा, अपने 3 घंटा ले ले ले, हमारा 2 घंटा दे ले, अब हम 3 घंटा रखबे, ऐसा करता है सब, है ना? तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ वो सब कंडीशन नहीं है, यहाँ पर क्या कंडीशन है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही फॉरवर्ड किया और 2 इलेक्ट्रॉन ही फॉरवर्ड किया, और फॉरवर्ड करने के बाद ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना बालक, ये 4 इलेक्ट्रॉन पर इस ऑक्सीजन का भी राइट है और इस ऑक्सीजन का भी राइट है, ये दोनों का राइट है, ये दोनों का, ये 4 ऑक्सीजन पर राइट है। अब राइट है तो देखो बालक, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन पर इस ऑक्सीजन का राइट था। देखो ऑक्सीजन के पास 2 और 2 4 और इस 4 पे राइट था, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये 4ों पर इसका भी अधिकार था, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, यानी ऑक्टेट पूरा करने का मतलब इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 6 था, ये शेयरिंग के चलते इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, इस ऑक्सीजन के बारे में बात की जो 2 2 और 2 2 4 था, देखो 2 और 2 4 था इस ऑक्सीजन के पास, और ये 4ों के पास अभी देखिए इसका भी अधिकार है, तो ये कितना हो गया? इसका भी 8 हो गया, इसका भी बालक 8 हो गया, समझ गए? जैसे ही 8 हुआ तो ये बालक अब दोनों स्टेबल हो गया, और इसी तरीके से O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब बड़ा सिंपल है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये फॉरवर्ड करेगा, 2 इक्वल फॉरवर्ड करेगा, शेयरिंग का मतलब इक्वल फॉरवर्ड करेगा, है ना? एक और समझते हैं, नाइट्रोजन से समझते हैं। देखो नाइट्रोजन एन और एन, नाइट्रोजन का बालक एटॉमिक नंबर 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 दूसरे में 5, पहले में बालक 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में
पांच इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में, है ना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच हो गया ना, एटॉमिक नंबर सेवन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच हो गया। तो क्या किया जाएगा ना कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन, देखो पांच इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन में और इसमें भी बालक पांच इलेक्ट्रॉन, इसमें भी पांच इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये लोग क्या बोलेगा, ये लोग बोलेगा बालक कि देखो हमारा भी तो पांच गो है, हम क्या करते हैं कि हम तीन गो इलेक्ट्रॉन आगे कर देते हैं। ई नाइट्रोजन तीन को आगे कर देगा, ये भी बोलेगा कि भाई तब हम भी आगे कर देते हैं, है ना। तो ये छः इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर शेयर्ड पेयर्ड इसको बोलते हैं, इसको हम लोग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ध्यान से देखो, ये चारों इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम लोग शेयर्ड पेयर्ड, है ना, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो बच गया इसको लोन पेयर बोला जाता है। देखो एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, चार लोन पेयर, इसे हम लोग बोलेंगे लोन पेयर। लोन पेयर अकेला है, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं भाग ले रहा है ना, पार्ट नहीं ले रहा। तो यहाँ पर ये शेयर्ड पेयर हो गया और ये दोनों लोन पेयर हो गया। तो यहाँ देखोगे ध्यान से, ये तीन इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन फॉरवर्ड किया और ये तीन इलेक्ट्रॉन ये दोनों इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड किया। और ये जो छः इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बना ना, जो ये शेयर्ड पेयर बना, इस पर इस नाइट्रोजन का भी राइट है, ये भी यूज कर सकता है स्टेबिलिटी के लिए और ये भी यूज कर सकता है। तो देखो ऐसे अगर सर्कल कर दिए तो बालक ध्यान से, ध्यानचंद कुमार, दो इलेक्ट्रॉन और छः इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट पूरा, और यहाँ से देखो, यहाँ से देखो दो इलेक्ट्रॉन और ये छः इलेक्ट्रॉन इसका कितना ऑक्टेट पूरा, यानी कि N2 कैसे बना ये भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और तुमको बालक हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि हीलियम के यानी एटॉमिक नंबर टू वाले के आसपास जितना भी है, पाँच नंबर तक, बोरन तक, ये सारा का सारा के लास्ट में अगर दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो अपने आप को स्टेबल फील करता है। बस दो इलेक्ट्रॉन मतलब अपने नज़दीकी नोबल गैस की तरह एलिमेंट जो है, एटम्स जो है वो बनना चाहता है। तो एक और एग्जांपल देख लिया जाए, देखो हाइड्रोजन का एग्जांपल देख लो बालक। हाइड्रोजन जो है एस टू कैसे बनता है, देखो हाइड्रोजन का बालक एटॉमिक नंबर एक, गरीब है ससुरा, हाइड्रोजन गरीब है, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एटॉमिक नंबर एक है तो इलेक्ट्रॉन कितना एक हो जाएगा। तो देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, हम लोग लिखेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हुआ तो एक लिख लिए। अब देखो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आगे कर देगा इलेक्ट्रॉन को और ये हाइड्रोजन भी आगे कर देगा। और ये जो दो शेयर्ड पेयर बनाना, इस पर इस हाइड्रोजन का भी अधिकार है और इस हाइड्रोजन का भी अधिकार है, ठीक ना। और हाइड्रोजन हीलियम के नज़दीक है तो इसको स्टेबल होने के लिए लास्ट सेल में कितना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो हाइड्रोजन का दो पूरा, इस हाइड्रोजन का भी दो पूरा, ये भी अपने आप को स्टेबल फील किया। तो इस तरीके से बालक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जहाँ पर शेयरिंग होता है। और एक लास्ट हम तुमको समझा दे रहे हैं, एक हम तुमको लास्ट समझा दे रहे हैं, है ना, मिटा देना। एक हम तुमको लास्ट समझा दे रहे हैं कि एस टू कैसे बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम ट्राई करो पहले, तुम पहले बालक एक बार ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो कि एस टू में देखो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो भैया बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अभी अभी तो सुने तुम कि नॉन मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बने उसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, और जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बने उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। अब इस कोनो कोनो को नॉन मेटल भी नहीं मालूम, अरे भैया जितना भी गैस है ना वो सब नॉन मेटल है, तेरह को गैस है वो सब नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन तो भाई गैस है तो ये भी नॉन मेटल है, है ना, और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलके, ये दोनों गैस मिलके जब वाटर बनता है तो ये कैसा रिएक्शन हो रहा था और हो रहा होता है उसका तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लो भाई। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले बना लो और पहले ट्राई करके फिर देखो। देखो बालक होता क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ रख लो और एक हाइड्रोजन यहाँ रख लो, हम लोग बना क्या रहे हैं बालक, एस टू ओ बना रहे हैं। भैया अभी अभी देखे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है और इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, बस एक ही तो होता है, एक ही होता है ना, हाँ। और ऑक्सीजन के पास देखो क्या है खेल, ऑक्सीजन के पास ये खेल है बालक कि छः इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर छः तो एट, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बालक एट है तो एट इलेक्ट्रॉन होगा, पहले में दो और दूसरे में छः, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन छः है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का छः है। और हाइड्रोजन का एक ही एटॉमिक नंबर है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसीलिए एक डॉट और एक डॉट से इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन के पास छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चार लिख दिए, एक इधर और एक इधर। अब देखो क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को आगे कर देगा, आगे कर दिया भैया, और ये हाइड्रोजन भी बोलेगा भैया हम भी आगे कर देते हैं, है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन को आगे कर देगा, आगे हो गया, और हाइड्रोजन वो एक इलेक्ट्रॉन को आगे कर देगा, ये भी आगे हो गया, है ना। अब देखो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बालक शेयर्ड पेयर्ड,
ये हो गया बालक शेयर्ड पेयर्ड। अब देखो हाइड्रोजन इन दोनों पे अधिकार है भाई, शेयरिंग वाला है तो इस हाइड्रोजन के इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे अधिकार है, राइट है ना। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला है तो इस हाइड्रोजन का भी इन दोनों पे राइट है। तो देखो इसका डुपेट पूरा, और हाइड्रोजन के लास्ट में तो दो चाहिए क्योंकि हीलियम के नज़दीक वाला है ना। याद कर लेना उस बात को, है ना, उस बात को तुम याद कर लेना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन, है ना, लिथियम बेरिलियम और बोरन, ये पांचों हाइड्रोजन की तरह हीलियम की तरह बनना चाहता है। यानी पांचों के लास्ट सेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये लोग अपने आप को स्टेबल फील करता है। बाकी इसको छोड़ के दुनिया का जितना भी है, इसको छोड़ के दुनिया का जितना भी एलिमेंट है उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी जा करके वो स्टेबल फील कर पाएगा बालक। तो ध्यान से देखोगे ये तो स्टेबल हो गया। अच्छा ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर्ड था तो इस पे दोनों का अधिकार था, है ना, तो ये स्टेबल हो गया। अच्छा ये दोनों पर ऑक्सीजन का भी अधिकार है, ये दोनों पर ऑक्सीजन का भी अधिकार है, और दो दो चार, चार और चार आठ, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन के तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बालक, तो ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, और ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, इसलिए बनता है बालक H2O बन जाता है, H2O बन जाता है बालक। बात क्लियर है? तो इस तरीके से आई थिंक तुम कोवेलेंट बॉन्ड भी बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, और इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल तुम्हें जानने का ज़रूरत भी नहीं है। आयोनिक बॉन्ड क्या है बस जितना वीडियो में समझाया गया उतना जानो, ठीक ना, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है उसे जानो, एटॉमिक नंबर जो है वो 20 तक याद कर लो, है ना। कुछ और भी स्पेशल्स है जो 9th क्लास में तुमको पढ़ना है, वो भी हम अगले वीडियो पार्ट में ला रहे हैं। अगले वीडियो पार्ट में बालक हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जानेंगे, फॉर्मूला केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला है उसे कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, डिटेल सीखेंगे, इसी तरीके से सीखेंगे, मज़े मज़े में सीखेंगे बालक, मज़ा आएगा तुम्हारा बालक। हम एक एक चीज़ बूस्ट कर देंगे। ब्रेन बूस्टर सीरीज भी चल रहा है इस चैनल पर, डेली रात के 9 बजे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। बालकों से और बालिकाओं से ये बात बालक बोला गया है कि तुम पहले रीजनिंग के क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे, खुद स्ट्रगल दिमाग से कराओगे, और देन अगर नहीं बनता है देन सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हारा ब्रेन जो है डे बाय डे बूस्ट करेगा। तो ब्रेन भी बूस्ट हो रहा है, मैथ्स तो बहुत दिनों से बूस्ट हो रहा है, मैथ्स बूस्टर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, है ना, फिजिक्स भी बूस्ट हो रहा है और केमिस्ट्री भी अब बूस्ट होगा। दो वीडियो अपलोड हो गया है केमिस्ट्री का, दोनों समझना जरूरी था, पहले समझ लो, और जो ये तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, एक एक चीज़ हम लोग जान जाएंगे बालक, एक एक चीज़ हम लोग जान जाएंगे। पेशेंस रखो और चीज़ों को बारीकी से समझते रहो, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके देखो, कमेंट करो, कोशिश किया जाएगा अगले वीडियो पार्ट में तुम्हारे डाउट को जो है बताया जाए, है ना। नहीं आएगा डाउट, इतना सिंपल करके बताया गया है कि डाउट आना नहीं चाहिए, फिर भी आता है तो उसका ये उपाय है। बात क्लियर है? तो बालक हम लोग मिलते हैं। देखो बालक अगर कल फिर आना है तो आज जाना होगा, कल फिर आना है तो आज जाना होगा। तो बालक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।